नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी मैप पर फिर से स्वागत। और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सहारनपुर के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। गणेशपुर के पास जंगल में दो रोडवेज बस आपस में टकराई, 10 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना। थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गणेशपुर के समीप जंगल में दो रोडवेज बस के आपस में टकराने से 10 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका जताई जा रही है। सभी घायलों को प्राथमिक चिकित्सालय के लिए देहरादून ले जाया गया, जिनमें से दोनों बसों के ड्राइवर भी शामिल हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार सहारनपुर की ओर से आ रही रोडवेज बस अपनी दिशा भटक कर दूसरी ओर चली गई, जबकि देहरादून की ओर से आने वाली बस ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दोनों में भिड़ंत हो गई। दिन में आपको बता दें कि सवार 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें CHC अस्पताल फतेहपुर में भर्ती कराया गया। कुल कितने लोग घायल हैं यह भी कोई जानकारी नहीं है। टायर फटने से अनियंत्रित कार डंपर से टकराई, 2 की मौत। हादसा सोमवार शाम करीब 4 बजे थाना कुतुबशेर में देहरादून अंबाला रोड हाईवे पर हुआ। बताया जा रहा है कि पटियाला निवासी दलचेंद्र सिंह शर्मा अपने 2 बेटों गौरव सनी तथा 3 रिश्तेदारों के साथ कार से परिजन की अस्थियां विसर्जित करने हरिद्वार गए थे। हरिद्वार से लौटते समय जब गांव सबदलपुर के पास हाईवे पर पहुंचे तो अचानक कार का टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे डंपर से टकरा गई। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 व्यक्ति घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। शेरपुर खनाजादपुर ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर, सैकड़ों लोगों ने लगवाई वैक्सीन। आज सुबह 10 बजे से ही ग्राम पंचायत शेरपुर खनाजादपुर में डॉक्टरों द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों में काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। डॉक्टर फुरकान के अनुसार वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया, जिसके तहत आज भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर वैक्सीन कैंप पहुंच रहे हैं, जिसमें 1 बजे तक 100 से ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जा चुकी थी। आपको बता दें कि आज शेरपुर में 300 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो शाम तक पूरा भी कर लिया गया। लोग स्वयं ही उत्साहित होकर और जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए साथ साथ कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए लाइनों में खड़े मिले। पंजाब नेशनल बैंक RSET में 6 दिवसीय BC सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ समापन। पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSET द्वारा केंद्र पर 6 दिवसीय BC सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में RSET निदेशक विजय मणि सिंह द्वारा बैंकिंग के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई और धन संबंधी लेन देन में महिलाओं को ध्यान पूर्वक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। KCC आर्य कन्या इंटर कॉलेज व KL इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति फेज 3 के तहत महिलाओं व छात्रों को किया गया जागरूक। थाना सदर बाजार क्षेत्र स्थित KCC आर्य कन्या इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत उप निरीक्षक सविता चौधरी, महिला आरक्षी चित्रा द्वारा छात्राओं को जागरूक करते हुए हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी गई और पैम्पलेट भी वितरित किए गए। वही आपको बता दें कि थाना देवबंद क्षेत्र स्थित KL इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति फेज 3 के तहत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं को जागरूक करते हुए उनके अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। सहारनपुर से पकड़ी गई 1 करोड़ रुपए की स्मैक, 9 लाख रुपए की नगदी भी बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सिन्हा द्वारा जनपद में नशा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना कुतुबशेर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने आज सहारनपुर की भावपुर पुलिया से 4 नशा तस्करों समीर पुत्र रमेश चंद निवासी यमुनानगर, मोबेन पुत्र फजलू रहमान निवासी सहारनपुर, सुहेल पुत्र रहीस निवासी शाहजहांपुर, महराज पत्नी जब्बार निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 9 लाख रुपए की नकदी, 700 ग्राम अवैध स्मैक, 800 ग्राम कट, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना मिर्जापुर पुलिस के हाथ लगे नशे के सौदागर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सिन्हा के आदेशानुसार जनपद में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान के तहत
पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व पुलिस क्षेत्राधिकारी बेहट के निर्देशन में थाना मिर्जापुर प्रभारी इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक शिव ध्यान सिंह व उप निरीक्षक अरुण कुमार ने पुलिस टीम के साथ मिलकर नशीले मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली एक महिला आसमा पत्नी मेहताब निवासी ग्राम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को 120 ग्राम चरस व भूरा उर्फ इस्तियाक पुत्र कामेल निवासी ग्राम महमूदपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को 70 ग्राम चरस व दिलदार पुत्र मेहंदी निवासी ग्राम खेड़ी मुस्तकम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को 130 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रामपुर मनिहारन प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री बागपत से मौजूद सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। मंगलवार को आज प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान गोचर महाविद्यालय में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री व मौजूदा सांसद ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश से भ्रष्टाचार, गुंडाराज और माफियाओं के आतंक को खत्म कर दिया, अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आज हर व्यक्ति सुरक्षित माहौल में जीवन यापन कर रहा है और साथ ही जन कल्याणकारी कई योजनाओं से भी लाभान्वित हो रहा है। कार्यक्रम को महापौर संजीव वालिया, विधायक देवेंद्र ने, विधानसभा प्रभारी रामजी लाल वर्मा, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजयपाल सिंह, जिलाध्यक्ष महेंद्र सैनी आदि ने संबोधित किया। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वैब को। अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं फॉलो जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।